हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना राजभर। आज आपके सामने है यामा एरोक्स 155 2024 का एडिशन। और मुझे दिखाना है इसके अंदर, आप देखेंगे इंडिकेटर जो किसमें लगा दिए गए हैं। चाबी ऑन करते ही आपके हो जाते हैं ब्लू, और इंडिकेटर जलाने के बाद ये होंगे आपके येलो। ये देख सकते हैं आप, ये आपका हो गया येलो। इसमें कलर और चाहिए तो और भी अपने पास मिल जाते हैं, जैसे कि रेड हो गया, रेड येलो हो गया, और आपका क्या नाम है, ब्लू येलो और वाइट येलो, ये सारे कलर इसके अंदर हमारे पास मिल जाते हैं। और साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर हैंड ग्रिप जो कि लगा दिए गए हैं आपके गोल्डन और ब्लू की मैचिंग है। रिजोमा के ओरिजिनल है ये, और ये ओरिजिनल वाले ग्रिप आपके हट जाते हैं और ये सिंपली लग जाते हैं, इजीली इंस्टॉल्ड। आप कभी भी कहीं भी लगा सकते हो इसे आप। और साथ में दोनों तरफ देखने मिलेंगे। इसके बाद आपको देखना सिमटेक मोबाइल होल्डर जो कि ओरिजिनल है, और ये बिना चार्जिंग वाले, इसमें चार्जिंग वाले मिल जाता है आपको। इसमें लगाने के बाद कहीं भी आप इजीली राइड कर सकते हो मैप ऑन करने के बाद। और ये आप देख सकते हैं कार्बन, ये कार्बन इसमें लगी है, लगा दी गई 7D रैप, पूरी 7D रैप लगा दी गई इसके अंदर। और बहुत जल्दी मैं कार्बन वाली फुल वीडियो भी लाने वाला हूँ, उसका वेट करना, इसके बाद शायद वो आ जाए अगले एक दो दिन में। और इधर आपको देखने मिलेंगे सिर्फ फुटमैट जो कि लगा दिए एरोक्स की ब्रांडिंग वाले, जो ग्रे और ब्लैक की मैचिंग के साथ आपको देखने मिल जाते हैं। आपको इधर मिलेंगे सेम, आपको मिल जाते हैं इधर भी सेम लुकिंग के साथ, वही एरोक्स की ब्रांडिंग। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, आप देख सकते हैं कार्बन का काफ़ी ज़्यादा काम कर रखा है इसके अंदर। आप देख सकते हैं ये है आपका रेडिएटर कवर जो कि लगा दे, पूरा प्रॉपर जो है एरोक्स का ओरिजिनल जेन्युइन फिटिंग का है आपका। और कार्बन पूरा देखने को मिल जाएगा जेन्युइन वाला जो कि इसके अंदर लगा दिया गया है। और इसके बाद आपको एक और कार्बन दिखाता हूँ, इधर आइए, ये लगा दिया गया इसमें कार्बन वाला कवर जो कि इसमें इजीली इंस्टॉल्ड कर दिया गया है। बिल्कुल सिंपली वो हटाओ और लगा दो। इसमें आपको और भी कोई कलर चाहिए लाइक आपका स्मोक हो या आपका ट्रांसपेरेंट हो, वो भी आपको हमारे पास अवेलेबल है। और ये भी इसमें लगा दिया गया है। साथ में इसमें लगाए गए हैं सीट जो कि आपको देखने मिलेगी, क्रूजर सीट जो कि इसके अंदर लगा दी गई, मलेशिया थाईलैंड वाली जो कि जर्मन प्रॉपर फिटमेंट वाली सीट है। आप देख सकते हैं लुकिंग काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। कार्बन इसके अंदर मिलेगा आपको, पूरा ब्लैक मिल जाएगा। और अगर आपको कोई और कलर इसके अंदर चाहिए स्ट्रेचेस वगैरह रेड, तो स्ट्रेचेस रेड वगैरह भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी जो कि आपको देखने को मिल रही है पूरी जर्मन तरीके से। और इसे कंफर्टेबल बहुत है, देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है सीट ये। इसे बैठने के बाद ना समझ लो लद्दाख ले जाओ इसको, लद्दाख भी आराम से पहुंच जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, इतनी अच्छी है ये सीट। और इसके बाद यहाँ पर आकर इसके बाद दिखाते हैं इसके एग्जॉस्ट स्लाइडर जो कि इसमें लगा देंगे, देख सकते हैं एग्जॉस्ट स्लाइडर वही ब्लैक और गोल्डन का मैचिंग जो आपको पूरी आगे हैंडल एंड ग्रिप दे, वही सेम ग्रिप को यहाँ पर भी दिया गया। और इसके बाद इसमें लगा दिए गए हैं आपका एग्जॉस्ट जो कि आपका है यशुमोरा का E47 USA, और ये फुल सिस्टम लगाया गया। मैं इसकी सुनाता हूँ आपको साउंड, कि साउंड इसकी कैसी होने वाली है। ये आपका हो गया आइडल पर, और थ्रोटल देता हूँ, थ्रोटल है अभी इसका डीपी कलर लगा हुआ है, तो इसलिए साउंड आपको ऐसा लग रहा है शायद जर्मन वाली साउंड आ रही है, कोई आपको बिना साउंड की नजर आए, बट मैं अभी इसका डीपी कलर हटा के भी आपको साउंड चेक कराने वाला हूँ। तो अभी जो आपने साउंड सुनी थी वो डीपी कलर के साथ थी, अब इसका डीपी कलर मैंने निकाल दिया। आप देख सकते हैं डीपी कलर बहुत ही लॉन्ग वाला डीपी कलर होता है इसके अंदर, जिससे कि साउंड पूरी तरीके से रुक जाती है। और अब सुनाऊँ आपको स्टार्ट कर साउंड, ये देखिए ये आपकी हो गई इसकी आइडल पर, और अब देता हूँ टोटल। ऐसा लग रहा है, पहले बंद हो जाओ फिर करूँगा, तो ऐसा लग रहा है जैसे इसमें एग्जॉस्ट तो लगाया बट साउंड ना थोड़ा बेसी साउंड आ रहा है। और जब गाड़ी आपकी निकलेगी ना रोड पर, तो तब जाके थोड़ा लगेगा कि हाँ इसमें कुछ लगा हुआ है। तो एग्जॉस्ट जो लगाएगा फुल सिस्टम है, फुल सिस्टम की वजह से आपको मज़ा ज़्यादा आता है। कटिंग वाला सिस्टम कुछ है नहीं इसके अंदर। बाकी एग्जॉस्ट की रेंज देख सकते हैं आप, रेंज बहुत सारी है अपने पास एग्जॉस्ट की। ये वाला इसके अंदर लगाया है हमने, और बाकी आप देख सकते हैं आपको, और जितने भी आपका एकरा पॉवे हो गया, एसी प्रोजेक्ट हो गया, और आपका आई स्टैंड का हो गया, इधर आप देखने मिलेंगे आपके। और इधर आप देख सकते हैं एकरा पॉवे की बहुत सारी रेंज है, इधर यशोमोरा मिल जाएगा, इधर आई स्टैंड मिल जाएगा, एसी प्रोजेक्ट, मतलब ऑल अबाउट बहुत सारी रेंज अपने पास होने वाली है। अगर जो किसी को भी किसी बाइक या स्कूटी के अंदर लगवाना हो तो ईजिली इंस्टॉल हो जाएंगे। तो एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं ये देखिए, चाबी ऑन करते ही ये आपका लाइट ऑन हो चुकी है, और ये इसके साइड के जो है मल्टीपल होते हैं, ये देखिए ये है इसका जादू जो कि शायद भैया बोल चुके थे, मुझे याद था ये इसका जादू है। हो गया चेंज, क्या बात है, देखा देखा इसे कहते हैं जादू, जितनी बार लगाएंगे उतनी बार हो जाएंगे इसके कलर चेंज। माइक किधर है, इधर ही है, ठीक है, देख सकते हैं भैया। तो ये इसका एक जादू है जो कि एक छोटा सेल दिया हुआ है, इस सेल को जितनी बार हम लगाएंगे उतनी बार इसके कलर्स हो जाते हैं चेंज। तो ये हो गया इसका पैटर्न। अब दिखाते हैं एक और पैटर्न
जो कि इंडिकेटर चलाएंगे। देखिए इंडिकेटर चल गया, ये आपका इंडिकेटर भी इसके अंदर ऑन हो गया। वाओ क्या ज़बरदस्त चीज़ है, देख सकते हैं आप। ये देखिए ये है रियल एरॉक्स की फैसिलिटीज़, कुछ भी लगाइए सब कुछ यूनिक एंड डिफरेंट होने वाला है इस वाली एरॉक्स के अंदर। यहाँ पर आकर हो जाती है इस स्कूटर की, स्कूटी की, बाइक की, क्या कहूँ इसे, ये तबाही है तबाही। इंडिया में फुल तबाही मचा रखी है इस स्कूटर ने, जो कि स्कूटर कम R15 का इंजन है, तो लोग इसे R15 के जैसे यूज़ करते हैं, इसको समझ सकते हो आप। 155 cc की वो है, 155 cc की है, तो इंजन इस पर उसी का ही है। और यहाँ पर इसकी मॉडल कंप्लीट होने के बाद अब मिल पाता भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको ये काम कैसा लगा और भैया कहाँ से आए हैं। तो हेलो भैया, मोटी चैन मोटा पैसा, पता मैंने क्यों बोला था, ये तो सब है फीका फीका, ये असली मोटी चैन मोटा पैसा। तो ये तो अभी मस्ती में, तो भैया कैसे हैं आप और कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। कैसा लगा आपको तुम्हारा भैया? एक नंबर काम। और जो भैया कह रहे थे कि एग्जॉस्ट की जो आप साउंड के लिए कह रहे थे, मैं बताता हूँ मेरे को ना भाई वो खचरा वाला एग्जॉस्ट नहीं चाहिए, मतलब वो भड़बड़ भड़बड़ वो सब नहीं चाहिए मुझे। बस इसका जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट आता है ना, वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद था, शुरू से ही नहीं पसंद था जब मैंने डिलीवरी ली, तो मैंने सोचा था कि चेंज कराऊंगा, इसलिए मैंने ये करवाया। और इसके अंदर भाई कैट एक नहीं है भैया जो आपने निकाला है, इसके बैंड पाइप में भी एक कैट लगा हुआ है, इसके बाहर भी एक कैट लगा, तो मुझे साउंड बिल्कुल नहीं चाहिए थी, मुझे एक डिसेंट मोटिवेशन चाहिए थी, जो आप देख सकते हो अभी भैया ने आपको सारी दिखाई है। और भैया काम बहुत बढ़िया लगा। और भैया के साथ मैं पहली बार आया हूँ, और आते मतलब वो कस्टमर वाला फील तो रहा ही नहीं, अब भाईचारा वाला सीन हो गया है। तो भैया बस भैया देखो एक चीज़, भैया बाहर से लगा के आए थे थोड़ा सा, मैं भैया से उस चीज़ के बारे में भैया वो थोड़ा सा ये हो गया, मतलब थोड़ा आप देख रहे हो यूट्यूब वगैरह ज़्यादा चल रहा है, तो वो हमने भी वीडियो देख लिया करोलबाग का, यार भाई नई नई दुकान खुली है करोलबाग, तो हम चले गए, अब हमें पता नहीं था कि क्या चीज़ कितने की आ रही है, तो हमने बस वैसे ही लगवा लिया समा। और भैया ने पता कि वो चीज़ इतनी महंगी है, आपको इतनी महंगी लग गई, तो मेरे को पता नहीं था, वहाँ हम थोड़ा सा हमारा सा धोखा हो गया है बस, समझ गया। नई शॉप, न्यू शॉप, अब उसके बाद मैं कुछ नहीं बोला, आप समझ चुके हैं, न्यू शॉप मतलब लोग हमारे नाम का इतना फ़ायदा उठा रहे हैं ना कि बस पूछो मत। बाकी आप पूरे समझदारों में क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि मैं इसलिए और मतलब ये वो समझ रहे हो कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहने का, मतलब हमें डिफेम करने की पूरी पूरी कोशिश है, और खुद जो वाट लगा रहे हैं लोगों की, वो खुद को बस क्या बताऊँ भैया, अनसेटिस्फाइड हैं और हमारे से सेटिस्फाइड हैं, क्यों? क्योंकि हमने उनको भैया रेट में ना वो कैसा दिया भैया, मैं बस रेट में कह रहा हूँ ना, भाईचारा वाला बात बन गई रेट के, अगर रेट होता है ना एक बंदे के माइंड में चलता है कि रेट अगर महंगा मिल गया तो मतलब बंदे बोलते हैं कि अगर अल्टीमेटली कहीं और ना मिले आपको तो आपको लगवाना ही पड़ेगा, पर मेरे को अब तो और कहीं सामान मिल भी नहीं रहा था, और जो भैया ने रेट दिया है, मतलब पहले मैं एक बार आया था तो भैया से नहीं मिला था, मैं रेट पूछ के गया था, उससे जो मुझे अब रेट मिला है ना भाई, बस वो इतना सेटिस्फेक्शन वाला है, मतलब पूछो मत। और ये बात बोलो भैया ने देखो एक एक सामान कहीं से, एक कहीं से भाई, क्योंकि भैया ना थोड़े चूजी किस्म के हैं, इनको क्या है, बिल्कुल भाई मुझे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ है, चीज़ पसंद आते रेट समझ तभी भैया काम कराते हैं, तो उन्होंने काफ़ी मल्टीपल शॉप से काम कराया, बट सबसे कराने के बाद जो मेरे से कराया, मुझे नहीं लगता मेरे पास ये दोबारा कहीं जाने वाले हैं, और इन्होंने मेरे को पहले नहीं बताया, जब काम डन हो गया इनका, मैंने काम कर दिया, उसके बाद भैया ने मुझे बताया, तब मुझे मन लगा यार अब तो आप सही शॉप पर आ गए हो, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ, और आगे आपके साथ कभी गलत ना हो तो उस चीज़ ध्यान दें, जो भी है रियल पर जाएं, नॉट कॉपी नकली फेक उन पे ना जाएं बिल्कुल भी। हमारी जो शॉप का नाम है SKD बाइक मॉडिफिकेशन, और पिछले 2.5 साल से करोलबाग के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, नाम कमाया है काम कर कर, उस नाम को ख़राब जो लोग कर रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है, कृपया ऐसा मत करो कि सामने वाला तुम्हें गालियाँ दे, काम वो करो कि कस्टमर भी खुश होकर जाए, क्योंकि मैं तो यहाँ खुश कर ही देता हूँ कस्टमर को काम और प्राइस करके, बट तुमसे भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसा करो प्लीज़, एटलीस्ट मेरे नाम का फ़ायदा ना उठाओ, ठीक है ना, और बदनाम मत होने दो मेरे नाम को, इतना मैं कहना चाहता हूँ। बाकी सब समाधान सब समझ चुके हैं मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ, क्यों भैया अनसेटिस्फाइड है, भैया के साथ है तो वो आपके साथ किसी के ना हो, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा संभल कर रहें, जहाँ भेजें राजू भाई की शॉप जो जन्मन है, जो कि मेरा 2.5 साल से पिछले मैं काम कर रहा हूँ, SKD की फुल फॉर्म में बता दूँ क्या है, SKD की जो मेरी शॉप का फुल नेम है वो ये है, एस मीन शालू माई वाइफ नेम, के मीन्स कुलदीप मेरे बड़े बेटे के नाम, डी मीन्स डुगू जो कि मेरे छोटे बेटे के नाम है, तो ये मेरी फैमिली नेम है, आप भी मेरी फैमिली हो, मैंने चाहता मेरी फैमिली के साथ कभी भी गलत हो, गलत तो नहीं करा भैया, बिल्कुल भैया होना ही नहीं चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ मैं आया ना आपका प्राइस, मतलब चीज़ मेरे को वहाँ मिल गई सेम मिल गई, बट जो प्राइस था यार बहुत ज़्यादा, मतलब वो था बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है भैया, तो अब ध्यान रखें, हस्त रहे स्वस्थ रहे मस्त रहे जहाँ भी रहे। भैया के पास मैं अपनी बोबर भी लेके आने वाला हूँ भाई, ये तो अभी अपने एरोक्स देखी है, अब बोबर के अंदर जो मोटिवेशन आने वाली है ना वो तो मैं अपने चैनल पे भी दिखाने वाला हूँ, DaYouTuber_, उसको भी देख लेना, कि उस पे सारी मोटिवेशन आने वाली है, कार्स की, बाइक्स की, स्कूटीज की, जो मैं भाई परचेज करता हूँ न्यू वो सब पे वीडियो बना रहा हूँ, अब मैंने चालू कर दिया, भैया के पास भी आते ही रहेंगे काम के लिए, अभी मोनोशॉक भी इसको मैं करने वाला हूँ, तो भैया से ही करवाने वाला हूँ सारा, और मोनोशॉक मैं ना अभी बस थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है ये वीडियो पहले डल जाए वो बाद में डले,
अंडर प्रोसेसिंग है। मैं जल्दी मोनो शॉकर्स की वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आप मोनो शॉकर्स भी लगा सकते हो, साथ में आपका साइड शॉकर्स वो ही प्रॉपर फिटिंग वाला। बस थोड़ा सा वेट करो क्योंकि मैं वो आर इंडिया कर सकता हूँ ना जो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ना 25 साल का एक्सपीरियंस है ब्रो, 25 साल 25 ईयर्स मेरी उम्र पर मत जाइए, उम्र मेरी जरूर 34-35 है बट एक्सपीरियंस 25 ईयर्स का है मेरा। और जो एक्सपीरियंस से मतलब बंदा वैसे नहीं मर सकता बट एक्सपीरियंस ध्यान रखना, एक्सपीरियंस वो है कि हर बंदे को डाउन कर सकता है और खुद को ऊपर ले जा सकता है। लोग समझते हैं सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ऊपर ले जाएंगे, अरे भाई यूट्यूब एक है जरिया ओके, बट काम भी तो करके दोगे आप किसी को या नॉलेज और एक्सपीरियंस, यस बस यही आगे काम आता है। फेमस तो आप फेमस तो कैसे भी हो जाओगे यार, एक की एक वीडियो वायरल होना, फेमस तो एक भिखारी को फेमस कर दो यार, वो भी साला फेमस हो जाता है आराम से, ठीक है ना। इसमें कट नहीं करूंगा मैं, टेंशन मतलब कट नहीं करने वाला मैं पूरा वीडियो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और परेशान हो, बस इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने काम भी किया गाड़ी पे, ऐसा नहीं कि मैंने काम नहीं किया, काम करके वीडियो बना रहा हूँ, पैसे भैया से लें, काम भी किया है मैंने, मैंने जो भी कमाया उसमें भी कमाया, जो मैंने भैया को रेट दिया उसमें मैंने कुछ ना कुछ तो कमाया है, एटलीस्ट तो कमाया ही होगा। लेकिन जो अपने को रेट लगा ना मतलब सेटिस्फैक्टरी था कि हाँ मैं पे कर सकता हूँ, मेरी पॉकेट है इतनी तो मैं पे कर सकता हूँ, जेन्युइन सी बात है। तो अब इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।